विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन यहां के सियासी गलियारों में चुनावी चर्चाएं कम और सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे में जारी खींचतान को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं। इसके पीछे कारण भी वाजिब है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जुबानी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। राजनीतिक पंडित इसे राजस्थान कांग्रेस में उपजे किसी संकट के तौर पर देख रहे हैं, जहां चुनाव से पहले बिखराव के से हालात बनते जा रहे हैं। इस पर हालांकि अब तक पार्टी आलाकमान ने लगभग चुप्पी ही साध रखी है, लेकिन अगर जल्द इस खींचतान का समाधान नहीं हुआ तो ये चुप्पी बहुत महंगी भी पड़ सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चर्चाएं हैं कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत तौर से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट से इस बारे में बात की है, लेकिन उसका कोई असर होता दिख नहीं रहा। अब इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में ही सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन पर निशाने साधे हैं। बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से, अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी, सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस हंस करके। थोड़ा इंतजार, आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। और हम कैसे बोल सकते हैं, 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ, बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उन मेरे कुछ मान लीजिए दो चार लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बाद में कई इक्वेशन बदल जाती है, कई गलत फहमी हो जाती है, परंतु सरकार बचाने में तो उस वक्त 10-10 करोड़ रुपये मिल रहे थे बाहर जाने वाले को, होटल से बाहर जाने वाले को 10 करोड़ की ऑफर थी। और जब गवर्नर साहब ने डेट फिक्स कर दी मीटिंग की, असेंबली बुलाने की, तब तो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले लीजिए। जो इस प्रकार के खेल खेल रहे देश के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग के खेल खेल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्यारे लोग हैं ये। वो जहाँ अरुणाचल प्रदेश से शुरू इन्होंने किया, सरकार बदल दी, पूरी सरकार बदल दी, मणिपुर गोवा तो छोड़ दो, कर्नाटक की सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश की सरकार बदल दी हॉर्स ट्रेडिंग करके, वहीं 20-25-30-40 करोड़ पता नहीं कितने दिए गए, और महाराष्ट्र की बदल दी। राजस्थान की बस नहीं चली है, क्योंकि पूरे प्रदेशवासियों का जो माहौल बना यहाँ पर, हमारे विधायकों के पास फोन आते थे आम जनता के भी कार्यकर्ताओं के, साहब जाए आपको 3 महीने रहने पड़े होटल के अंदर, रहो पर मजबूत रहो, ये मैसेज था MLAs को। मुझे तो इस जिंदगी का अगर मैं देखूँ कि जिंदगी में मैं मेरी जिंदगी का देखूँ कि इतना बड़ा मेरे मुख्यमंत्री काल में इतना बड़ा क्राइसिस आया और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से हमने उनको विफल कर दिया और हम लोग कामयाब हो गए। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब हाल ही में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर राजस्थान की राजनीति में सीधे सक्रिय रहने का फैसला लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।